मुंबई उपनगर के पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के नेतृत्व में बीएमसी आर दक्षिण विभाग में कैंपेन का आयोजन किया गया। जनता के द्वार आपकी सरकार इस कैंपेन के माध्यम से अलग अलग इलाकों से लोग आए और उन्होंने पालक मंत्री के सामने अपनी बात और अपने इलाके की समस्या रखी। मीडिया से बात करते हुए पालक मंत्री ने बताया कि अब तक 250 से ज्यादा समस्याएं आ चुकी है और उनमें से 170 समस्याओं को मौके पर ही उसका निवारण किया गया, उन समस्याओं को मौके पर ही हल किया गया। हमने आज महानगर पालिका के अधिकारियों के साथ में यहाँ पर पालक मंत्री आपने द्वारा ऐसे एक प्रोग्राम रखा, 250 से ज़्यादा कंप्लेंट्स आई, 170 कंप्लेंट्स का मौके पे निराकरण हुआ। एक बहुत ईमानदारी की कोशिश की है और लोगों ने इसमें सहकार दिया और ऑफिसर्स ने बहुत मेहनत करके इसमें लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। इस कैंपेन में सांसद गोपाल शेट्टी भी आए थे और उन्होंने मेट्रो मुंबई से बात करते हुए कहा कि बहुत अच्छा प्रयास है और इस तरीके का प्रयास मुंबई के हर एक वार्ड में किया जाना चाहिए। देखिए, मुझे एक प्रतिनिधित्व जीवन के 31 साल पूरे हो गए और 31 साल में बहुत सारे सरकार आए, बहुत सारे सरकारें गई, लेकिन पहली बार देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में मंगल प्रभात जी मुंबई के पालक मंत्री बने और उन्होंने इतना बड़ा मीटिंग लिया है। पूरे मुंबई के सभी वार्डों में इस प्रकार से जाकर लोगों की शिकायत सुनकर ऑन द स्पॉट उसका नतीजा ढूंढने का जो प्रयास हुआ है, मैं मानता हूँ ये काबिले तारीफ है। इससे लोगों का जो खोया हुआ विश्वास वो फिर एक बार संपादन करने में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा लाभ होगा आने वाले दिनों में। इस कैंपेन में अलग अलग इलाकों से अपनी समस्या लेकर आए हुए आम जनता ने भी मेट्रो मुंबई से बात की और उन्होंने कुछ लोगों ने कहा कि ये बहुत अच्छा प्रयास है, इस तरीके का प्रयास होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है कि कम से कम किसी ने इनिशिएट तो लिया। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इससे कुछ नहीं होता, ये सब बस इसी तरीके का कैंपेन चलता रहता है, बाकी इसका कोई भी फायदा किसी को नहीं होने वाला है। और देखिए, मेट्रो मुंबई से बात करते हुए आम जनता ने इस कैंपेन के बारे में क्या कहा। हम धन्यवाद देना चाहते हैं, कम से कम इन लोगों ने इनिशिएट तो किया। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे 10 बजे से सब लोग लाइन लगाए हुए हैं, मतलब आर साउथ में समस्याएं कितनी हैं ये आप समझ सकते हैं। अभी भी कम से कम 100 लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, टोकन का इंतजार कर रहे हैं, मतलब आर साउथ पूरी तरह से समस्याओं से भरा हुआ है। हमने भी लेटर दिया है जिसमें हमने भी हमारे क्षेत्र पोइसर की समस्याओं को हाईलाइट किया है, जो कांदीवली ईस्ट में आता है, जिसमें नशे से लेकर के सार्वजनिक शौचालय की बदहाल स्थिति से लेकर के 2022 में भी पानी की समस्या से जूझ रहे भाजीवारी से लेकर के अनेकों समस्याओं को हमने भी नोट डाउन करके दिया हुआ है और अभी अंदर जाने वाले हैं हम लोग, इस मुद्दे पे बात करेंगे और उम्मीद करेंगे कि समस्या सॉल्व हो। ठाकुर विलेज के बारे में बोलना चाहूँगी कि ठाकुर विलेज में पानी की समस्या, जो कि समर चालू हो गया था तब से पानी की समस्या थी, आज भी पानी की समस्या वैसे ही कायम है वहाँ पे। दूसरी एक समस्या बड़ी है कि वहाँ पे 2500-3000 की बस्ती है, 2500-3000 घर है जानूपाड़ा में, उसके सामने का जो प्लॉट है बीएमसी के लिए आरक्षित हुआ है, उसका आरक्षण जो बीएमसी ने डाला है वो स्मशान भूमि का आरक्षण डाला है। मेरे कहने से इतनी तो जानकारी हम सबको है कि जहाँ पे बस्ती होती है वहाँ पे स्मशान भूमि नहीं होनी चाहिए, बीमारियाँ फैलेगी, छोटे बच्चे वहाँ पे स्कूल से आते जाते रहते हैं, तो ये सब आरक्षण हटाना चाहिए बीएमसी ने, ये हमने मांग की है। तीसरी हमारी मांग थी कि जो हॉकर्स के बारे में है, हॉकर्स देखो अपने को हॉकर्स की ज़रूरत भी है, लेकिन हॉकर्स हमारे रास्ते पे होने के कारण ट्रैफिक की समस्या हो रही है, बढ़ती हुई जो वहाँ पे जो सारे बढ़ते हुए टॉवर्स है, बढ़ती हुई लोक संख्या को देख के अगर हॉकर्स रोड पे ही बढ़ते जाएंगे तो ट्रैफिक की बहुत गंभीर समस्या का सामना लोगों को रोज़ आते जाते करना पड़ता है। और ये सारी मांगे हम कम से कम आज नहीं 1.5 साल से बीएमसी के पीछे लगे कि हॉकर्स जोन बना लो, हॉकर्स को एक उनकी जगह दे दो, उनको वहाँ पर लोकेट करो, ये जो स्मशान भूमि है ये हटाओ। और सबसे बड़ी समस्या लोगों की पानी की है, लोगों को पानी मिलना चाहिए, लेकिन आज भी बीएमसी से लगातार हाँ हो रहा है, कल हो जाएगा। तो आज इसी कारण हमारे यहाँ के जो पालक मंत्री है सन्मान्य मंगल प्रभात लोढ़ा जी, वो आज यहाँ पे उपस्थित है और हम यही सारी मांगे उनके सामने भी रखने वाले हैं। जितने भी उनकी समस्या है गई है तो वो तो डेफिनेटली उसके ऊपर कुछ ना कुछ उपाय योजना वार्ड वाइज होने ही वाली है। हमारा जो विषय था वो बचतगट का था और दूसरा एक प्रोजेक्ट है बचतगट के अंतर्गत जो हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है, वो अगला जो साल है वो 2023 इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर है। बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया जो आम आदमी के लिए तुरंत सेटिस्फेक्शन दे रहा है,
मुझे अच्छा लगा और मुझे मेरा काम जल्दी होएगा इतना मुझे मालूम है। देखकर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि हमारी समस्याएं का कोई इलाज हो पाएगा करके या कोई उसके आगे कुछ हो पाएगा उस चीज़ों के लिए। फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। सुबह 10 बजे से हम आए हैं, अभी तक टोकन का आता पता नहीं है। यहाँ पे सारी पार्टियों के लोग ही खाली आए हुए हैं, वही उनकी ही पब्लिक है, उनकी ही भीड़ है, और आम आदमी तो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहे। शायद वही लोग हैं और वही लोग सब कुछ करने वाले हैं, तो अभी आगे हमें पता नहीं है, पर हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। मेट्रो मुंबई के लिए ज्योति यादव के साथ संवाददाता धनुष धारी यादव की रिपोर्ट।